दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए हंट मिस्टर मीट और जैसन वहां से जाने का नाटक करता है, जिससे मिस्टर मीट गुप्ता जी और मिश्रा जी को चारों तरफ से घेर लेता है। गुप्ता जी हंट से मुकाबला करते हैं और मिश्रा जी को बाबा के पास जाने को बोलते हैं। मिश्रा जी बाबा के साथ जब मिस्टर मीट का घर आता है, तभी स्क्विड डॉल से मुकाबला होता है, जहाँ रॉड स्क्विड डॉल को जमा देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। छोटा सा ईगल को देखकर मिश्रा जी हंसने लगता है। मिस्टर मीट, ये छोटा सा ईगल हमारा क्या बिगाड़ेगा? मिश्रा जी, तुमने तो ये देखा कि यह छोटा सा ईगल है, लेकिन यह ईगल कौन है क्या तुम्हें पता है? मिश्रा जी सोचने लगता है कि आखिर मिस्टर मीट ने ऐसा क्यों बोला। ईगल, जाओ उन सभी को खत्म कर दो। ईगल सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बाबा, कहीं ये ईगल गुप्ता जी तो नहीं है? मिश्रा जी, मैं अभी पता लगाता हूँ, लेकिन तब तक तुम सभी ईगल का ध्यान भटकाओ। रॉड दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और ईगल को जमाने के लिए नाइट्रोजन गैस से हमला करता है, लेकिन ईगल पर कोई असर नहीं होता है। इधर बाबा पता लगा लेते हैं कि यह ईगल कोई और नहीं गुप्ता जी ही है। ईगल को मारने के लिए मिश्रा जी जैसे ही अपने हथियार से हमला करने वाला होता ही है, तभी बाबा मिश्रा जी को रुकने बोलते हैं। मिश्रा जी रुक जाता है, लेकिन ईगल अपने ईको की शक्ति से मिश्रा जी पर हमला कर देता है। ईगल के वार से मिश्रा जी दूर गिर जाता है। बाबा, अपने रुकने क्यों बोला? मैं अभी उसे काट के रख देता। मिश्रा जी, वो ईगल को यदि तुम मार देते तो हमारा गुप्ता जी मारा जाता। क्या मतलब ईगल ही गुप्ता जी है? हाँ मिश्रा जी। ईगल अपने ईको पावर से सभी पर हमला करता है। गुप्ता जी, होश में आइए, आप मिस्टर मीट का साथ नहीं दे सकते हैं। मिश्रा जी का बात ईगल पर कोई असर नहीं करता है और वह फिर से मिश्रा जी पर हमला कर देता है। ईगल को रोकने के लिए बाबा अपनी शक्ति से एक पिंजरा का निर्माण करते हैं और उसके अंदर ईगल को कैद कर देते हैं। बाबा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पिंजरा उसे रोक सकता है? नहीं बाबा, नहीं, ईगल से तुम जीत नहीं पाओगे। सभी लोग देखते हैं कि ईगल पिंजरा से बाहर निकलने के लिए अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे पिंजरा पिघल जाता है। पिंजरा के पिघलते ही ईगल बाहर आ जाता है और सभी पर ईको शक्ति से हमला कर देता है। ईगल के कई बार हमला करने से चारों लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद मिश्रा जी के साथ सभी को होश आ जाता है। सभी लोग को होश आते ही वह अपने आप को पिंजरा में कैद पाता है। बाबा, हम सब तो पिंजरा में कैद हो गए हैं, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? मिश्रा जी, अब तुम सब बाहर नहीं आ सकते। जैसन और हगी वगी, तुम दोनों इन सभी पर नजर बनाए रखना, तब तक मैं और हंट शहर से मीट लेके आते हैं। मिस्टर मीट और हंट शहर की तरफ जाने लगता है। इधर बाबा सोचते हैं कि आखिर मिस्टर मीट ने हमें मारा क्यों नहीं है। बाबा, हम सब ऐसे ही कैद रहेंगे क्या? आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, मेरे दिमाग में एक उपाय है, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। बाबा अपना उपाय मिश्रा जी को बताते हैं। अरे ओ जैसन और हगी वगी, तुम दोनों को नींद नहीं आती है क्या? मिश्रा जी के जवाब देते हुए हगी वगी बोलता है कि तुम सभी के मरने के बाद हम सभी आराम से सोएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, तुम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? मैं हूँ। जैसन के बोलने पर हगी वगी भी बोलता है कि मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है। हगी वगी के ऐसा बोलने पर जैसन गुस्सा हो जाता है और आपस में लड़ने लगता है। हगी वगी, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें तो उन सभी लोगों पर नजर बनाए रखना है। जैसन का बात मानते हुए दोनों जब पिंजरे में देखता है तो उनमें कोई नहीं होता है। हगी वगी और जैसन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई कैद से भाग जाए, इसलिए वह पिंजरा को खोल के देखता है। पिंजरा के खुलते ही सभी लोग पिंजरे के अंदर दिखाई पड़ता है। तभी जंपर अपनी शक्ति से हगी वगी पर हमला कर देता है। जंपर के वार से हगी वगी घायल हो जाता है और सभी कैद से बाहर आ जाते हैं।
सभी को रोकने के लिए जशन अपने तलवार से हमला करता है, लेकिन जंपर अपनी शक्ति से उसे भी घायल कर देता है। रॉड, इन दोनों को पिंजरे में कैद कर दो। रॉड जशन और हगी वगी को पिंजरे में कैद कर देता है। बाबा, हम सब तो बाहर आ गए हैं, लेकिन गुप्ता जी को कैसे ठीक करेंगे और वह अभी कहाँ हो सकते हैं? मिश्रा जी, गुप्ता जी का पता हमारा जंपर बता सकता है, क्योंकि जंपर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। जंपर तुरंत अपनी सूंघने की शक्ति से गुप्ता जी का पता लगा लेता है और बताता है कि गुप्ता जी जो अभी ईगल बना हुआ है वो मिस्टर मीट का लैब में है। बाबा, गुप्ता जी का तो पता चल गया है, लेकिन उन्हें वापस सही कैसे करेंगे? मिश्रा जी, पहले गुप्ता जी को पकड़ के हमें आश्रम ले जाना होगा, तब मैं अपनी तप की शक्ति से उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। बाबा की बात मानते हुए सभी लोग ईगल को पकड़ने के लिए मिस्टर मीट का लैब में चले जाते हैं। लैब के अंदर आते ही सभी लोग देखते हैं कि वहाँ प्रोफेसर कैद है। प्रोफेसर को कैद से बाहर निकालने के लिए मिश्रा जी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ईगल मिश्रा जी पर हमला कर देता है। ईगल देखता है कि मिस्टर मीट का लैब में अनजान लोग आ गए हैं, इसलिए वह सभी पर हमला कर देता है। ईगल पर हमला कोई नहीं कर सकता था, इसलिए सभी मार खाते हैं और बहुत कमजोर हो जाते हैं। बाबा, आप कैसे ईगल पर काबू पाएं? मिश्रा जी, मैं जंपर को शॉक देने बोलता हूँ, तब शायद गुप्ता जी मिस्टर मीट का वश से बाहर निकल आए। बाबा जंपर को इशारा करते हैं और तभी जंपर ईगल को शॉक देता है। ईगल को शॉक लगते ही गुप्ता जी होश में आ जाते हैं। मैं कहाँ पर हूँ? ये तो मिस्टर मीट का लैब है, और बाबा मिश्रा जी आप लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, क्या हुआ आप लोगों को? अरे, ये मेरा शरीर को क्या हो गया? मैं ईगल कैसे बन गया? गुप्ता जी को होश में आता देख मिश्रा जी और रॉड बहुत खुश होता है, लेकिन गुप्ता जी अपने असली रूप में नहीं आ पाते हैं। उधर मिस्टर मीट को पता चल जाता है कि गुप्ता जी उसके वश से बाहर आ चुका है, इसलिए वह और हंट तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। इधर किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर गुप्ता जी को उसके असली रूप में कैसे ला सकते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर बाबा को बोलता है कि मेरे सामने ही मिस्टर मीट ने गुप्ता जी को ईगल बनाया था, तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। प्रोफेसर की बात सुनते ही मिश्रा जी तुरंत उसे कैद से बाहर निकालता है। बाबा, मैंने गुप्ता जी को ईगल बनते देखा था और शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तुम कोशिश करो गुप्ता जी को अपने असली रूप में लाने का। प्रोफेसर मिस्टर मीट की तरह केमिकल को मिलाने लगता है, और तभी जंपर को पता चल जाता है कि मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है। तो दोस्तों, क्या प्रोफेसर गुप्ता जी को अपने असली रूप में ला पाएगा, या मिस्टर मीट ऐसा होने नहीं देगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।